हेलो फ्रेंड्स, आज हम टू विन ट्रेड प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। इस एप्लीकेशन से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इसको यूज़ कैसे करता है, यानी ये एप्लीकेशन हमारे लिए सेफ है या फिर नहीं, इस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सारा कुछ रिव्यू करने वाला हूँ। अगर इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, इससे पैसे कमाने की सोच रहे हो, कुछ भी अदर्स रीज़न हो सकता है जिसके वजह से आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने मोबाइल पे, तो आगे ये वीडियो को पूरा देख लीजिए। उसके बाद आप डेफिनेटली अपने मुताबिक इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आगे इस एप्लीकेशन के बारे में पूरा रिव्यू करने वाला हूँ, पूरा देख लीजिए। सबसे पहले मैं प्ले स्टोर पर आ चुका हूँ एंड टू विन ट्रेड प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे, इसका रिव्यू देखेंगे। इसका डाउनलोड की अगर बात करें तो इसका डाउनलोड यहाँ पर देख सकते हैं, 10 लाख लोग इसको डाउनलोड कर चुका है एंड आगे भी इसको डाउनलोड कर सकता है क्योंकि इसका एडवर्टाइजमेंट काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म में चलाया है। ठीक है, तो इसके बाद आगे और भी डाउनलोड बढ़ सकता है। तो ऐसे में डाउनलोड करने से पहले आपको ज़रूर ये वीडियो को वॉच कर लेना चाहिए। 10 लाख लोग इसको डाउनलोड किया है एंड 10 लाख में से 39,000 लोग इसको रिव्यू दिया है, वो पहले यूज़ किया है, उसको अच्छा लगा या फिर बुरा लगा वो यहाँ पर आके रिव्यू देता है। ठीक है, तो 39,000 कम नहीं है, 39,000 लोग ज़्यादा लोग हैं, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर अच्छा बता है एप्लीकेशन को। ठीक है, बोला है ये अच्छा है, कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4.3 स्टार मार्क दिया है, मतलब ये स्टार मार्क काफ़ी अच्छा है, बट इससे भी पता नहीं चलता है, हमें इससे भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो चलिए इसके अंदर जाते हैं, ओपन के बटन में क्लिक करते हैं, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं टू विन ट्रेड एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। बता दूं ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप छोटा छोटा ट्रेड पैसे लगा के यहाँ पर ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो। यहाँ पर मिनिमम आप 20 रुपया से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम। ठीक है, इससे नीचे आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो ट्रेड, इससे ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 20 रुपया यहाँ पर रखा गया है। नीचे दो ऑप्शन मिल जाता है एंड यहाँ पर एसेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको एसेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे एसेस्ट आपको मिल जाता है। जैसे कि पहले में देखें तो USDT सिल्वर, ठीक है, और नीचे खींचोगे तो और भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें बिटकॉइन नहीं मिला है। चलिए करेंसीज पे क्लिक करके भी आप यहाँ पर अपने मुताबिक एसेट को चूज कर सकते हैं, उस एसेट पे इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर कमोडिटी दिया गया, कमोडिटी के ऊपर में क्लिक करोगे तो एक ही एसेट यहाँ पर है, वो है सिल्वर। पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो सारा कुछ यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। उस हिसाब से अगर मान लीजिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टेट एसेट को ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि इस एसेट पे आपको इतना रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर 75% का रिटर्न, नीचे 70% का रिटर्न, इस हिसाब से लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, आपको जो भी मर्जी उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तो यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन रहता तो हम बिटकॉइन पे लगाते क्योंकि बिटकॉइन को सब कोई पहचानता है, लेकिन USDT इसको कोई नहीं पहचानता है, AUD की कोई नहीं पहचानता है। हालांकि थोड़ा लोग हो सकता है 10% लोग, लेकिन 90% लोग इसके बारे में जानता ही नहीं है, तो इसके ट्रेड करने से डरता है। ठीक है, ऐसे में यहाँ पर बिटकॉइन अगर होता तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर 90% लोग बिटकॉइन के ऊपर में इन्वेस्ट कर देता, लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सिल्वर जो कि थोड़ा सा ज़्यादा लोग जानता है, यहाँ पर 40-50% लोग धर सकते हो इसको जानता है, तो हम यहाँ पर सिल्वर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सिल्वर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एसेट हैज़ बीन चेंजेड, यहाँ पर चेंज कर दिया गया, क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लोज के बटन में क्लिक किए तो देख सकते हैं सिल्वर यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, सिल्वर जो एसेट है काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ ये हमें अच्छा नहीं लगा है। ठीक है, चलिए हम फिर से हम एसेट के ऊपर में क्लिक करते हैं, ऊपर वाला में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्लोज के बटन के लिए ये चल रहा है, इसके ऊपर में आप ट्रेड लगा सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन हमें अच्छा नहीं लगा उतना। ठीक है, आप एसेट के ऊपर में पूरा डिपेंडेड करने से नहीं होगा, आपको आगे भी प्रोसेस देखना चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए, वो है ग्राफ। ये ग्राफ को जितने अच्छे तरीके से आप समझोगे उतना अच्छा आप यहाँ से पैसे कमा पाओगे ट्रेड करके। ठीक है, आप देखिए हर ट्रेड में आप जीतोगे ऐसा हो नहीं सकता है, गारंटी है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आप 4 ट्रेड लगाओगे उसमें से 2 ट्रेड जीत सकते हो, 2 ट्रेड आप हार सकते हो, या फिर 3 ट्रेड जीत सकते हो, 1 ट्रेड हार सकते हो, या फिर 1 ट्रेड जीत सकते हो, 3 ट्रेड हार सकते हो। इससे क्या होगा, आपका पैसे यहाँ पर नुकसान होने का चांसेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता दूँ यहाँ पर काफ़ी सारे हाई रिस्क होता है, क्योंकि इस तरीके के एप्लीकेशन में 50-50 चांस होता है, आपका 50 चांस या एप्लीकेशन का 50 चांस।
अगर आपको ऑप्शन सही रहता है तो आप जीत जाते हो, आपका ऑप्शन गलत रहता है तो आप हार जाते हो। ठीक है, अगर हार जाते हो तो जितना भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे वो पैसा आपका डूब जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता दूँ, जब भी आप ट्रेड करने जाते हो तो इस वाले ऑप्शन को जरूर इनेबल कर लीजिए, क्योंकि इस वाला ऑप्शन अगर इनेबल नहीं रहता है तो अगर मान लीजिए ये इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे डाउन डाउन के बटन में, तो यहाँ पर कंफर्म पे एक ऑप्शन आएगा। कंफर्म करते करते आपका जो यहाँ पर टारगेट रहेगा वो टारगेट यहाँ से लग के यहाँ तक हो जाएगा, आपका टारगेट गलत जगह में लग जाएगा, इससे आप हार भी सकते हो। तो इस ऑप्शन को आपको जरूर इनेबल रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ट्रिक्स बता देता हूँ आपको। देखिए, ज़्यादातर ग्राफ में ऐसा देखा गया है, अब देखिए मार्केट के ऊपर में डिपेंडेंट करता है, एसेट के ऊपर में डिपेंडेंट करता है ये ग्राफ। ठीक है, अब ये ग्राफ को आपको कैसे समझना है, देखिए जब भी कोई भी एसेट में ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ भागने लगता है। जब भी यहाँ पर प्रॉफिट होता है सेल कर देता है, मतलब इन्वेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, सेल ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ नीचे की तरफ आने लगता है। इससे ऐसे करके ग्राफ यहाँ पर काम करता है। अब देखिए, कई लोगों का ये भी कहना है कि टोटली मार्केट के ऊपर में डिपेंडेंट करता है, तो मार्केट को आपको अच्छे तरीके से जानना होगा, उसके बाद ही आप ट्रेड करके यहाँ से पैसे कमा सकते हो। लेकिन मेरा आंसर है नहीं, ये देखिए ये एप्लीकेशन में आप एक मिनट तक ट्रेड कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक मिनट का टाइम लेता है। ठीक है, अब एक मिनट के टाइम मेंशन किया गया है, एक मिनट में आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे, जितना भी आप एनालिस्ट कर लीजिए कोई भी मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर टोटली डिपेंडेंट करता है लक के ऊपर एंड आपका आइडिया के ऊपर। ठीक है, आप यहाँ पर आइडिया लगा के यहाँ पर पैसे कमा सकते हो, इससे बेहतर मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितना मार्केट एनालाइज करके आप पैसे यहाँ पर मार्केट को समझ नहीं पाओगे, यहाँ पर ग्राफ को समझ नहीं पाओगे कि ग्राफ आगे ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। यहाँ पर टाइम ज़्यादा दिया जाता तो आप यहाँ मार्केट जो भी एसेट के ऊपर में क्लिक किए हैं वो एसेट को अच्छे तरीके से जान के मार्केट को ऊपर में डिपेंडेंट करके मार्केट को अच्छे तरीके से एनालाइज करके आप ग्राफ को समझ पाओगे, लेकिन एक मिनट में आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे कि ये ग्राफ नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सेकेंड सेकेंड में ये ऊपर जा रहा है, सेकेंड सेकेंड में ये नीचे आ रहा है, तो ऐसे में आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं। ऐसे में ये दो ही चीज़ काम देगा, एक तो लक के ऊपर एंड सेकेंड आइडिया के ऊपर, यही दोनों चीज़ आपको यहाँ पर ट्राई करके खेलना पड़ेगा, इससे बेहतर आप कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्क उतना ही ज़्यादा है जितना कि आप जीतने के चांसेस लेके आए हो। तो यहाँ पर अगर हमें लगता है ऊपर जाएगा तो ऊपर के बटन में जस्ट क्लिक कर देंगे, आप मल्टीपल भी लगा सकते हैं, अगर आपका आइडिया एकदम सही है तो फिर से आप यहाँ पर ऊपर के बटन में क्लिक कर सकते हैं, अगर आपका ऑप्शन एकदम सही है तो फिर से आप यहाँ पर ऊपर वाला क्लिक कर सकते हो। तो अगर ये ग्राफ अगले एक मिनट के लास्ट पोजीशन में ऊपर चल जाता है, अभी देखिए अभी मेरे पास टाइम है, एक मिनट का मार्जिन यहाँ पर सेट किया गया है, एक मिनट अभी टाइम है, अभी नीचे जाए ऊपर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट पोजीशन में ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, आप नीचे की तरफ राइट साइड में देख सकते हैं डील्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कितना टाइम चल रहा है, आपका ट्रेड जिन लगाए हैं कितना सेकंड चल रहा है वो दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ट्रेड वाला ऑप्शन में फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लाइव आप देख सकते हो, ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आइडिया देखते हैं मेरा आइडिया कितना अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर एक ट्रिक्स आपको बताऊँगा, अगर हम जीतते हैं तो देख सकते हैं ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, और एक ट्रेड जो है ये जो ट्रेड आप देख पा रहे हो ये लग रहा है हार जाऊँगा, और ये दोनों अभी थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, तो देखते हैं आगे, ये देख सकते हैं ये हार चुका हूँ ऊपर वाला, अब नीचे वाला देखता हूँ जीतते हैं या फिर हारते हैं। तो यहाँ पर भी एक हार चुका हूँ और दोनों ही हार चुका हूँ, मैं तीनों ट्रेड यहाँ पर हार चुका हूँ। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हो कि ये इस तरीके के एप्लीकेशन में आप अगर आते हो, आप अगर पैसे लगाते हो तो कहीं ना कहीं रिस्क जो है वो 90% रिस्क होता है। अगर आपका आइडिया गलत रहता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर हार जाओगे। ठीक है, और एक टिप्स जो भी अगर खेलना चाहते हो तो वो बता देता हूँ, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर इसका हेड है, ये जो हेड है ना ये ऊपर में है, तो आप यहाँ पर नीचे के बटन में क्लिक कर सकते हो, नीचे की तरफ लगा सकते हो, क्योंकि ऊपर जब भी जाता है ग्राफ तो नीचे आने का चांसेस 90% बन जाता है। ठीक है, और नीचे जब भी रहता है तो ऊपर के बटन में क्लिक मतलब पैसा लगा देना, क्योंकि ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है, लेकिन मिडिल पॉइंट में मत खेलिएगा, मिडिल पॉइंट में चांसेस एकदम जीरो के लगभग जीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप पोजीशन में समझ नहीं पाओगे ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, लेकिन जब भी ऊपर जाता है तो ज़्यादातर चांसेस, ऐसा नहीं कि गारंटी ऊपर नीचे ही आएगा, ठीक है, ज़्यादातर चांसेस होता है नीचे आने का,
एंड जब भी नीचे आ जाता है तो ऊपर लगाओगे तो ज्यादातर चांसेस रहता है ऊपर जाने का, ठीक है। तो इस तरीके का ट्रेड एप्लीकेशन में क्या होता है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि यहाँ पर आप इस तरीके से खेलोगे उस तरीके से खेलोगे तो जीतोगे, ट्रिक्स ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटली डिपेंडेंट करता है आपके लक के ऊपर एंड आपका आइडिया के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आप इससे डिपोजिट विड्रॉ करना चाहते हैं तो लास्ट पोजिशन मोर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप डिपोजिट एंड विड्रॉ दोनों ही कर सकते हैं। देखिए जैसे डिपोजिट तो आप कोई भी UPI फोन पे पेटीएम से कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ करने के लिए आपको बैंक अकाउंट जोड़ना पड़ेगा। एंड यहाँ पर एक चीज दिया गया, यहाँ पर बोला गया आपको पैन कार्ड वगैरह सारा कुछ यहाँ पर लग सकता है क्योंकि KYC यहाँ पर पूरा करना बोल रहा है। तो हम कोई भी एप्लीकेशन हो हम आपको यही कहते हैं कि अपना ID प्रूफ या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी शेयर ना ही करना बेहतर है। अगर आप फिर भी शेयर करते हो तो आप अपने ऊपर डिपेंड में शेयर कर सकते हो। मेरे लिए ये सेफ्टी उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। आपको कैसा लगे ये एप्लीकेशन आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन जो लोग रिव्यू दिया है वो लोग तो यही बता रहा है कि ये एप्लीकेशन अच्छा है। तो आप अगर खेलना चाहते हो तो आप आगे यूज़ करके देख सकते हो, खेल के देख सकते हो। अगर आप खेलते हो तो आपको डेफिनेटली आइडिया आ जाएगा एंड आप समझ जाओगे कि एप्लीकेशन हमारे लिए सेफ्टी है या फिर नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।